तो सेल्स और बैंकिंग और उससे पहले हमने अकाउंट बनाया था और देखी थी कि चीजें कैसे चलती है अच्छा कस्टमर का मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था की कि एक तो आप इम्पोर्ट कर सकते हो मैं दोबारा बता देता हूँ वही जो सी एस वी के थ्रू आप यहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हो सैम्पल डाउनलोड हो जाता है उसके अंदर आपके पास ये सैम्पल भी है इसका मैं आपको दोबारा से शो करवा देता हूँ ये सैम्पल है जी आ, इसमें नाम आ रहे हैं कंपनी आ रही है कस्टमर टाइप आ रहा है ई मेल फोन नंबर और मोबाइल नंबर और देन आपके पास ये जो है आपके पास बाकी आ रही है उस तरह से अपनी चीज़ें अपलोड कर लेती हैं और दूसरा आपके पास है जी आप मेनुअली ऐड कर सकते हैं मेनुअली कैसे ऐड कर सकते हैं इसको सेलेक्ट करने करके आपने यहाँ पे चीज़ों को ऐड कर देना तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप आ, अपने जो सिस्टम्स हैं उससे आप इंटीग्रेशन कर सकते हो फॉर एग्जांपल जो भी अगर आपका कोई और आपने ई रखा हुआ है तो वहां से आपने फॉर एग्जाम्पल इससे पहले आप कोई और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते जीरो यूज कर रहे थे या उडो यूज़ कर रहे थे वहाँ से आप सारे कस्टमर की लिस्ट डाउनलोड करो और सेम लाकर इसके ऊपर अपलोड कर दो या एक इंटीग्रेशन का तरीका भी है वो थोड़ा सा एडवांस है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा अच्छा फिर मार्केटिंग ये एक इंटरेस्टिंग टूल है बेसिकली uh, आप इसको भी यूज करेंगे मेल चिम का होपफुल आपको इतना आइडिया नहीं होगा मेल चिमप एक सॉफ्टवेयर uh, है जो जो ई मेल्स भेजता है बेसिकली ई मेल भेजने के लिए ना सॉफ्टवेयर यूज होता है आपने अक्सर देखा होगा आपके ई मेल के अंदर आ रहा होता है जी ये खरीद लो इतने परसेंट ऑफ है ये ये सा वो सारे लोग क्या यूज करते हैं मेल चिप इसके ऊपर आई थिंक पंद्रह सो या दो हजार तक आप फ्री मेल्स भेज सकते हो फ्री अकाउंट के थ्रू और पेड में ऑब्वियसली ज्यादा भेज सकते हो तो अग, आप ना ये कस्टमर जो आपके होते हैं उनके जो वहां से अपने ई मेल है उस ई मेल को आप यहाँ से मेल चिप से कनेक्ट कर देते हो और ये ऑटोमेटिकली ई मेल जो है वो भी जाना शुरू हो जाती है ये देखें जी आ, टिप्स एंड रिसोर्स ये भी मैं आपको करके बता देता हूँ मेल चेम का अकाउंट मेरा शायद बना हुआ था मी सी अगर बना हुआ है तो कनेक्ट हो सकता है दिखा दे तो नहीं तो हम उस तरफ नहीं जा रहे आगे चल के देख लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो इसके ऊपर भी काम कर लेंगे अच्छा मेरा साइन अप मांग रहे है। आ, मेरा एक पुराना अकाउंट था मेल चेम के ऊपर तो, नहीं छोड़ देते हैं वो यहां से नहीं होगा क्योंकि वहां पे कस्टमर्स का डाटा नहीं है हम जब कस्टमर्स ऐड कर लेंगे ना तो इन फिर मैं दोबारा एक दफा आपको करके दिखा दूंगा अच्छा उसके बाद कैश फ्लोज पे आ जाते हैं जी आ, कैश फ्लोज क्या होती हैं जो आपके बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है और जो बिजनेस के अंदर पैसा जा रहा है बिजनेस के अंदर से वो आपके कैश फ्लो होते हैं मनी इनका मतलब ये कि आप सेल्स करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा होता है तो वो यहाँ पर आ जाएगा और जो बिजनेस के अंदर से पैसा जा रहा होता है वो ये इधर आ जाएगा ठीक है व्यू रिपोर्ट्स में आपके पास यहाँ पे इन्वॉइस आ जा जा जाएंगी और कस्टमर के डिटेल वैल्यू ये भी ओपन करके दिखा देता हूँ आपको कैश की फ्लो की जो रिपोर्ट्स हैं वो ऐसे कि देखिए कुछ भी नहीं आ रहा इसी तरह रिपोर्ट डेट करंट और यहाँ से आप जो है वो मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर लगा के रिपोर्ट्स निकाल सकते हो ये भी हम थोड़ा सा आगे चल के दोबारा इस पर आते हैं अच्छा कस्टमर्स हो गए थे ओके देन कैश फ्लोज अच्छा तरह मनी आउट है इसमें जो पैसा जा रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा न्यू बिल न्यू न्यूस पेडिस इस पे भी हम चल के देखते हैं अच्छा ये बेसिकली तो ये इनसे से, से लिंक्ड है आप यहाँ से आपको वगैरह आ जाएगी उसके बाद फिर वापस आते हैं अच्छा फिर एक्सपेंसिस का ट्रैक है जी एक्सपेंसिस में जो भी आप अप्रूवल पे कैश पे जो भी चला रहे हो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे ये देखो वही वही जैसे आ, हमने कस्टमर्स के साथ सेल्स में किया था सेम वही काम यहाँ पे करना है एक तो आपका बैंक के थ्रू आपके पास आ रहे रहे होंगे एक्सपेंसेस अगर आपने वो बैंक बैंक स्टेटमेंट कर रहे हैं अब आपका लिंक नहीं है तो आपने क्या करना है जी यहाँ से मैनुअली और तरीका वो ये है जो हमने पहला देखा है कि एक तो ये है ना और एक इसमें आप बल्क में भी ऐड कर सकते हो कि आपने जो सी के थ्रू आ रहा था और वो कहाँ से होगा वो जो बैंक में हमने ऑप्शन देखा था ना वहां से आपके पास बल्क में आपके पास एक्सपेंसेज जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाते हैं देन सप्लायर्स हैं जी सप्लायर्स आपके वेंडर्स होते हैं जिस तरह कस्टमर्स आपके वो होते हैं जो आपसे चीज़ें खरीदते हैं और सप्लायर्स होते हैं जिनसे आप चीजें खरीदते हो तो उनकी डिटेल भी यहाँ पे आ सकती है सेम उसी तरह सप्लायर में करेंगे तो बल्क में डाटा आ जाएगा सी फाइल के थ्रू और अगर यहाँ पे नहीं कर रहे आप तो ये आपके पास मैनुअली वही सारा तरीका भी ये जो हमने पहले कस्टमर के केसेस में देखा था मैं करके दिखा भी देता हूँ जैसे ये इसी तरह जो आपके इसमें का ही ऑप्शन सी एन आई सी वगैरह अच्छा फिर इसमें है कि अगर आप किसी सप्लायर से नहीं खरीद रहे मिसाल के तौर पर पहले आप खरीद रहे थे फॉर एग्जाम्पल टी खरीद रहे थे किसी ए क्लाइंट से सप्लायर से तो अब आप टी खरीदना बंद कर रहे तो आप इसको इनएक्टिव कर दोगे इसके अलावा इसके और भी कुछ यूजेज यूज होती हैं हम आगे चल के देखेंगे यहाँ आपने बैंक अकाउंट नंबर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो बिजनेस आईडी या जो आपके पास एंटी एन बेसिकली आप पाकिस्तानी जबान में कहें तो आप उसका नेशनल टैक्स नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं इसी तरह ओपनिंग बैलेंस अगर कोई चल रहा है नया अकाउंट जैसे कुछ कंपनीज हैं वो ऑलरेडी किसी और ई आर पी पे काम कर रही हैं जब वो यहां पर आती हैं क्विक बुक्स के ऊपर तो उनको ओपनिंग बैलेंसेस लिखने क्लाइंट्स उसके कस्टमर्स के के सप्लायर्स के वो यहाँ पे आ जाएंगे उसी तरह यहाँ पे टर्म्स आ गई और ये बाकी सारी चीजें जो है वो आ जाती हैं ठीक है जी और फिर एक्सपेंसेस <coughs> हमने देख लिए देन जी एम्प्लॉयज़ पे चलते हैं आ, ये बड़ा अच्छा मॉड्यूल है पेरोल का इसमें आप यहाँ पे एम्प्लॉय को ऐड कर सकते हो फॉर एग्जांपल ये आपका एक एम्प्लॉय है इसको हमने ऐड कर दिया इसमें यहाँ पे इसका बिलिंग रेट आ गया बिल एबल बाय डिफॉल्ट यानी अगर आप जो भी यहाँ पे दे दोगे फॉर एग्जाम्पल जितना अरसा वो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट ही आपका आ जाएगा ये टाइम शीट और पेरोल से रेलिवेंट है इसको हम आगे चल के देखते हैं अच्छा यहाँ एम्प्लॉय आई डी अगर आपने कोई इसको दिया वो आ जाएगा देन एम्प्लॉय आई डी जेंडर हायर डेट रिलीज राइट ये सारे डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी ठीक है जी देन रिपोर्ट्स uh, है ये सेक्शन थोड़ा इंटरेस्टिंग है रिपोर्ट्स के अंदर आपके पास जो जनरली रिपोर्ट्स यूज होती हैं बिजनेस के अंदर एक तो ये यह जी यहाँ पे रिपोर्ट के नाम से आप ढूंढ सकते हो जो आपको चाहिए जनरली आपके पास एजिंग यूज होती है जब आप ऑडिट करवा रहे होते हैं तो रिसीवेबल की एजिंग चाहिए होती है ये जो लोग इस फील्ड के अंदर हैं वो इसको जानते हैं वरना एक्सेल पे मैनली बनानी पड़ती है एक तो एजिंग आ जाएगी देन बैलेंस शीट ये जिसके अंदर कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज की डिटेल है वो आ जाएगी ऑब्वियसली अभी चार्ट ऑफ अकाउंट हमने सेटअप नहीं किया हुआ और ऑब्वियसली डाटा कोई नहीं डाला हुआ तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा आ जाएगा अभी थोड़ी देर में फिर प्रॉफिट एंड लॉस है इसी तरह आपके पास बैलेंस शीट समरी बिजनेस स्नैपशॉट जो जो आपको मतलब यहाँ से कस्टमर पी एन एल बाय कस्टमर बाय मंथ बाय क्वार्टर बाय डेट जो आपको चाहिए ना वो यहाँ पे आ जाएगा राइट ये कलेक्शन समरी सारा जो जो कुछ आपको चाहिए वो आ जाएगी अच्छा फिर मैनेजमेंट रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर से आपके यहाँ पे आ गई कंपनी ओवरव्यू सेल्स परफॉर्मेंस expenses राइट right? ये जो जो आपको यहाँ पे मामला वो आ जाएंगे राइट right? इस तरह कस्टम रिपोर्ट अगर आपने कोई यहाँ पे निकाल लिया तो वो भी यहाँ पर आ रही होती है ठीक है जी अच्छा उसके बाद टैक्सीज है पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि आ, बड़ी कंपनियों के ऊपर उन्तीस परसेंट टैक्स है छोटी कंपनियों के ऊपर बीस परसेंट टैक्स है वो taxes की डिटेल जो आप यहाँ पे डाल सकते हो इसी तरह इसमें वैट जो आपका सेल्स टैक्स है पाकिस्तान में सत्रह परसेंट रेट है तो यहाँ पे आप एक तो सेल्स टैक्स का यहाँ पे ऐड कर सकते हो सेल्स टैक्स सत्रह परसेंट इसमें मैं कहूंगा हर गुड पे चार्ज होने सर्विस तो उस पे आ, हर सूबे के हिसाब से पंजाब में तो सोलह जो भी जाए जिस सूबे का रेट है वो यहाँ पे आ जाएगा तो ऑब्वियसली ये चीजें भी यहाँ पे हम लोग सेटअप करेंगे बाद में जाके इनशाला जरूरत पड़ रही होगी देन अकाउंटिंग में चार्ट ऑफ अकाउंट्स है सबसे पहला चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स ये होता है कि आपका जो Uh, मैं इसको अगली वीडियो में कवर करता हूँ थोड़ा डिटेल्ड है इससे इसके ऊपर पूरी हमें एक वीडियो बनानी पड़ेगी और इसके अलावा आपके पास रिकनसिलेशन इसमें भी ये बैंक इस इसमें चलते हैं अच्छा ऐप्स ऐप्स में फाइंड ठीक है जी ऐसे ये मैं आपको कह रहा था कि जो आपके पास ऐसी ऐप्स हैं जो आपके कुछ बुक्स से इंटीग्रेट हो जाती हैं

एक्सपेंस मैनेजमेंट के लिए एक आपके पास यहाँ पे जो मेजेंटो है जी ये जो वेबसाइट्स बनती है ना ई कॉमर्स की बड़ी बड़ी कोई भी आपको फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स हैं वो इसके अंदर जो है ना मेजेंटो के थ्रू यूज हो रही होती है और मेजेंटो से डायरेक्ट डाटा जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा होता है मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट है फॉर एग्जाम्पल है करें। अब दराज पे जाके कोई बंदा भी साइन अप करता है ना कस्टमर तो एड होता है तो वो एड तो दराज पे हो रहा है लेकिन वो मेजेंटो के थ्रू उसके अंदर डाटा जाता है और मेजेंटो जब क्विक बुक से लिंक होगा तो वो डाटा सारा आपके यहाँ पे चला जाएगा कस्टमर वाली से, सेक्शन में इसी तरह सप्लायर वो कोई वहां पे है तो वो यहाँ पे आ जाएगा राइट फिर मेल चिम से वो ईमेल जिस तरह से यहाँ पर लिंक हो रहा होता है टाइम ट्रैकिंग के लिए आपके पास एक जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते थे अगर वो यहाँ पे आ रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ नहीं इसमें नहीं आ रहा इन के लिए जी एक बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है डेक्सट है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से Next, नहीं आ रहा। पता नहीं शायद कर पहले आ, यहां पे आ, रिसीट उसका नाम था वो हमने इंटीग्रेट किया हुआ था अच्छा उसका बड़े मजे का सीन था कि आप के पास कोई भी है है कोई सेल हुई है। आपने पेपर के ऊपर उसकी इन्वॉइस बनाई उसकी पिक्चर ली ऑटोमेटिकली वो ए आई पावर्ड सॉफ्टवेयर था ऑटोमेटिकली उसने उठाया उसे आ, अपने सॉफ्टवेयर में डाला डायरेक्ट क्विक बुक से लिंक था उधर से अपने अप्रूव के डायरेक्ट एंट्री जो है वो क्विक बुक्स में डालगी तो वो एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर था आ, शायद होगा कहीं पे बहरहाल हमारा उससे मतलब नहीं है इसी तरह माई एप्स में जो जो आपने इंटीग्रेट की हुई होंगी वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगी जैसे मेल है या और जो भी आपने यहाँ पे की हुई है वो आ जाएगी अच्छा फिर आपके पास अच्छा जी ये इतना ही हो गया अः इसके बाद हम चलते हैं न्यू में अच्छा न्यू को भी ना बाद में देखते हैं इस वीडियो में इतना ही है इनशाला इस नेक्स्ट वीडियो में हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स और ये जो दो टैब्स आपके रह गए इसको देखते हैं इनशाला थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस और अगर आपको कोई सवाल है तो वो लाजमी कमेंट के सेक्शन में लिखे ताकि उसको मैं अपनी आने वाली नई वीडियोज में एड्रेस कर सकू थैंक यू सो मच